हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। थंबनेल पे आपने देखा कि आज का जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है। एक्चुअली आई एम सुपर एक्साइटेड। जितने भी वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं एंड मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती भी रहती हूँ। सो अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी इनोवेटिव लगे, कुछ भी न्यू लगे, कुछ भी ईजी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो ये जो ब्लाउज DIY ब्लाउज मैंने बनाया है, इसका सबसे मेन रीज़न था कि हर किसी को, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टिचिंग नहीं आती, बट स्टिल कभी कभी लोगों को मन करता है DIY करने का। तो ये विदाउट मेजरमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, बस एक थोड़ा सा रैंडम आइडिया के लिए कुछ मैं इंची टेप का यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इंची टेप की हेल्प से आप उसे मेज़र कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं जल्दी से कि इस ब्लाउज को बनाना कैसे है। आज एक बहुत ही चालाकी भरा DIY आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। कोई भी बचा हुआ कपड़ा आपके पास है उसको ले ले। मेरा फैब्रिक पतला है तो मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका मोटा है तो ये प्रोसेस जो है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो है मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। चौड़ाई आपको सिंपली बस्ट के ऊपर रखना है, उससे बस 1 इंच आपने ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो लेंथ है ब्लाउज़ की, वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। तो 6 इंच आपको मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद में जो बॉक्स बनेगा उसको हम कट कर देंगे। आपको याद रखना है कि इसमें मार्जिन जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बस 1-1 इंच मार्जिन रहना चाहिए। उस हिसाब से आप कपड़ा कट करो, इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है। बस मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने इंची टेप से नाप के बताया। आपको कपड़ा बस्ट के ऊपर रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है। कट करने के बाद में, जैसे मेरा फैब्रिक जॉर्जेट का है तो मैं हमेशा सारी DIY यूज़ करने के लिए करती हूँ। तो एक लेयर में जो है इसकी लाइनिंग को कट कर रही हूँ। लाइनिंग को कट करने के बाद में मैं इसके ऊपर अंडरनीथ लाइनिंग को रखूंगी एंड सीधा सीधा सिलाई लगा दूंगी। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा ये DIY करने में आपको। तो ये मैंने कट कर दिया एंड इसके ऊपर मैंने लाइनिंग को स्यू कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको मैं कट कर दूंगी। तो 1 इंच मार्जिन मैंने इसीलिए आपको बोला था, साइड से फिनिशिंग देते हुए हम उसे सिल लेंगे। फिर बचा हुआ जो कपड़ा है आपके पास में, यहाँ पर मैं 7 इंच को रख रही हूँ। 7 इंच मार्क करते हुए अगेन, ये मेज़रमेंट जो भी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज आपने जो पहले जो फैब्रिक कट करा है उससे बराबर या फिर उसको रखते हुए, उसी फैब्रिक को रखते हुए उससे छोटा भी कट कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो इस तरह से मैंने 7 इंच को मार्क करा एंड कट कर दिया। कट करने के बाद में मेरा जो लंबाई है आपको बता दूँ, ताकि आपको एक लमसम आइडिया हो जाए। तो मैंने अपने फैब्रिक की लंबाई जो है 28 इंच रखी है। ये आपको लंबा कपड़ा लेना है, छोटा कपड़ा लेने लेना। अब चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, बस थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ा था उसी से कपड़े को फ्लिप कर दिया एंड उसको भी अब अच्छे से मैं कंसील कर दूंगी। इस सामने का जो पल्ला था वो मैंने लिया, देखो फ्रंट पे रखते हुए आपने सीधे दोनों सीधे पल्ले को एक साइड रखना है। अब मैं उसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाऊंगी, इसीलिए मैंने जो फैब्रिक है वो लंबा लिया था, क्योंकि मैं इसमें टाई अप डिटेलिंग करने वाली हूँ। आप चाहो तो फ्रंट के बराबर का ही कपड़ा ले सकते हो, जो विथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मुझे छोटा चाहिए था इसलिए मैंने छोटा लिया। तो दोनों साइड से हम इसी तरह प्लीट लगा के सिलाई लगा देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से कंसील हो जाए। उसके बाद ये मेरा साड़ी का कपड़ा था जिसमें इस तरह के पैचेस थे। तो चालाकी से आप अपने चीज़ों को यूज़ करें, मैंने उस दोनों पैचेस को एक साथ सिल दिया एंड उसे एज अ स्ट्रैप यूज़ किया। स्ट्रैप आपको जहाँ भी कंफर्टेबल हो, थोड़ा मिडिल में साइड में आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग लग रहा था, तो मैंने क्या करा और एक पैच लिया। उस पैच को मैं इस तरीके से रखूँगी, मेरा फ्लोरल पैच है जिसकी वजह से ब्लाउज़ बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऑलरेडी आपके पास कोई पैच है, कोई साड़ी का, कोई दुपट्टा का, तो इस तरह से आप DIY कर सकते हो। अगेन पैच को लगाने के पहले आप उसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर ले एंड उसको पहन के देखें कि जो पैच है एग्जैक्टली आपको जहाँ चाहिए वहीं पे लगा है कि नहीं। थोड़ी मेहनत कर लोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैं एक आइडिया के लिए करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं। हार्डली 2 मिनट या 1 मिनट लगता है।
कैसे बनाया है, स्टाइलिंग पार्ट भी आपने देख लिया। प्लीज वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर अप करने वाली हूँ। मेरे पास कपड़ा कम था, ऑनेस्टली कपड़ा था बट उससे मैं कुछ और कस्टमाइज करना चाहती थी। तो ये जो आपने बैक साइड में देखा कि इसके लेंथ के बराबर का जो फ्रंट में मैंने लेंथ रखा था ना, ये देखो उससे छोटा मैंने टाइप रखा है। बट अगर आप ये मत करना, आप क्या कर सकते हो, इसके बराबर का टाइप रखना, जिससे आपको अगर आपको बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस पसंद नहीं है तो उस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर मैं आपको बोलूँगी कि इस तरह से जैसे फ्रंट में आपने कटिंग की, सेम उसी तरह बैक की भी आपको कटिंग करनी, बट पीछे में आपको हुक एंड आई लगानी पड़ेगी। एंड उसके ऊपर से सपोज ये एक फ्लैप है, ये बैक का पोर्शन है आप सपोज करो, एंड इसके ऊपर फिर मैंने प्लीट डाली इस तरीके से करके, आप समझ रहे हो ना। तो आपको बहुत रिवीलिंग अगर पसंद नहीं है तो इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो DIY देखा है उसको देख के ही टू कॉपी आपने वही DIY बनाना है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बस आपको एक मीन्स बोलूँ कि एक आइडिया क्लिक अगर होता है तो उसको पिक करके बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्लीज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपने मेरा DIY देखा एग्जैक्टली आपको उसी तरह का बनाना है, बस आपको एक आइडिया क्लिक करके एंड उससे आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो। सो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी, इतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो जाते जाते मैं यही बोलूंगी, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये था मेरा आज का वीडियो, तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।